अस्सलाम वालेकुम जी सारे वीरां दे की हाल उम्मीद है सब ठीक होणगे तुहाडा दूसरा है नासर मैं तुसीं वेख रहे हो नासर ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल और फेसबुक किसान आटो ट्रैक्टर पार्ट्स। दोस्तों आगाज़ किया मिलत दी स्टार्टिंग विजिट का यानी जिहड़ी जगह तो ट्रैक्टर बनना स्टार्ट होंदे ने पहले नंबर ते इन्होंने चैक करवाया कि साढ़े किहड़े किहड़े मॉडल इस टाइम मौजूद ने जिहड़े असीं बना चुके हैं और इस तो बाद सानू अपने यानी इन्हों मुख्तलिफ हिस्से ने एक जगह पर एक चीज़ बन रही एक जगह पर एक टेस्ट हो रही है और अलग अलग इन शोबे ने उस तो बाद सानू इंजीनियरिंग वाले शोबे लैके गया ने कि जिहड़ी जगह पर पार्ट्स की क्वालिटी और उस जगह पर दसणगे कि साढ़े किन्ने वेंडर ने जिहड़ी लोकल जिहड़ियां चीज़ां बनाते हैं वो किन्ने ने उन्हां दी तादाद किन्नी है और उस तो बाद केड़े केड़े इलाके दे विच साढ़े वेंडर मौजूद ने कि जिहड़े पुरजे बनाते हैं पार्ट्स जिहड़े बनाते हैं टोटल ब्रीफ करनगे और लोकल किन्ने ने यानी पाकिस्तान दे विच जिहड़े पार्ट्स बनते पे ने वो किन्ने ने और जिहड़े बाहरों मंगवाए जाते हैं वो किन्ने ने ये सारी डिटेल है वीडियो एंड तक लाजमी वेखनी चैनल तो नवें सबसक्राइब करना और घंटे वाले निशान को दबाने ताकि हर नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। अगर फेसबुक चैनल पर हो तो अंगूठे का निशान है इनू लाजमी दबाना है वीडियो टोटल सारिया एंड तक लाजमी वेखनिया ने स्किप नहीं करनिया डिटेल नाल इंशाल्लाह सारी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर कर जा रहा यह वेख सकते हो डिस्प्ले लगी इन्हां दे पार्ट्स दी इंजन दे पार्ट्स दी टोटल डिस्प्ले लगी है इन्हां दे विच जिहड़े ब्लू यानी नीले रंग दे ने उह बाहरों मंगवाउंदे ने ते ब्लैक जिहड़े ने उह इत्थे बन रहे ने पाकिस्तान दे विच सैक्शन है वेंडर डिवेलपमेंट ठीक है जो पार्ट्स वगैरह ट्रैक्टर के अंदर लगते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिवेलप करते हैं और मुख्तलिफ वेंडर्स हमारे आपको पता है कि हुए हैं जिनसे हम सप्लाई लेते हैं वो फिर यहाँ से इनिशियल यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होता है सारा काम। तो इसमें जो मेजर हमारे काम है इंडिजनाइजेशन काम है हमारा इंडिजनाइजेशन से मुराद है कि जो लोकलाइजेशन करते हैं हम पार्ट्स की वो है तो हमारे सब ट्रैक्टर मॉडल्स की मोर देन 90% लोकली डिवेलप होते मतलब बनते हैं पार्ट्स सारे और इसमें जो शामिल है मेजर पार्ट्स हैं वो मतलब कि जो हमारे डिपार्टमेंट के फंक्शन है मेजर वो हैं वेंडर सिलेक्शन है कि हम पहले हमारे पास एक डेटाबेस होता है सारा उसमें से हम जब कोई पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सूटेबल है जो क्वालिटी में सबसे बेहतरीन हो सप्लाई उसकी अच्छी हो कैपेसिटी हो उसके पास इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं फिर उससे पार्ट डेवलपमेंट करवाते हैं हम फिर उसकी प्राइस क्या है उस पर हम सारी वर्किंग हमारे पास होती है कि पार्ट जो है ये कितने का होना चाहिए और उसके अलावा फिर अगर कोई हमें ऐसा पार्ट है जिसके अंदर अभी हमें इनिशियली जिस तरह नए मॉडल हमारे आते रहते हैं और नए मॉडल हमारे आते रहते हैं और उसमें ये होता है कि अभी हमने इनिशियली कम अगर हमारी डिमांड है तो उसके बाद जब बढ़ती है तो उसकी कैपेसिटी डेवलप किस तरह करनी है कि वेंडर जो है पहले अगर एक महीने में 1000 पर दे सकता है तो 3000 किस तरह दे सके अगर हमें 3000 चाहिए। उसके बाद अगर वेंडर के कोई बाकी इशू आते रहते हैं जो मिलर के अंदर या लीगल इशू जो भी हैं वो भी हम लोग ही रिजॉल्व करवाते हैं। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस है कि वेंडर के एंड पे जो इनिशियल क्वालिटी इंश्योरेंस है वो हमारी तरफ से होती है। उसके बाद डिज़ाइन चेंज वगैरह आते रहते हैं मुख्तलिफ के यार ये पहले इस मटेरियल में आ रहा था इसका कोई मटेरियल नया आ गया मार्केट में या जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हमने अडॉप्ट करना होता है या अगर कोई इशू आ रहा है कस्टमर को किसी डिज़ाइन की वजह से कोई मतलब कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है किसी डिज़ाइन जो जेन्युइन डिज़ाइन है उसकी वजह से तो वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो पेरेंट कंपनी है मैसी फर्गसन ब्रांड जो है एक्को जो है कंपनी उसके साथ जो हमारे यानी कि जो भी लिंकअप है वो हमारे थ्रू होता है। उसके अलावा हमारे जो इस टाइम करंटली लोकल पाकिस्तान के अंदर वेंडर हैं उनकी तादाद है 204 उसमें उसको हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जिस तरह फोर्जिंग है कास्टिंग है शीट मेटल है इसके अलावा जो बाकी प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं जिसमें रबर प्लास्टिक वगैरह सारी चीज़ें आती हैं ये हमारी है कि जो कि कहाँ कहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो लोकेशन हैं वेंडर की कहाँ कहाँ मौजूद हैं 90% के करीब हमारे वेंडर लाहौर में ही हैं और बाकी जो है मुख्तलिफ इस्लामाबाद में भी है मुल्तान में भी है कराची में तो उसके अलावा फैसलाबाद में एक वेंडर है इस तरह बलोचिस्तान में 2-3 वेंडर हैं हमारे तो ये पूरे पाकिस्तान में हमारे फैले हुए जो हमने लोकलाइज कर लिए हैं पार्ट्स पूरा इंजन हमारा लोकलाइज है। उसके बाद पावर ट्रेन है ट्रांसमिशन वगैरह शीट मेटल जो है कॉस्मेटिक पार्ट सारे वो लोकलाइज इलेक्ट्रिकल आइटम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वगैरह सारे जो हैं ये लोकलाइज है। ये हमारे मुख्तलिफ मॉडल्स की लोकलाइजेशन है कि जिस तरह 240 LHP ट्रैक्टर में हम 94% पे
और HHB ट्रैक्टर में हम 90% पे हैं लोकलाइजेशन में। पार्ट्स हैं ये ज़्यादातर इंजन के पार्ट्स हैं और मेजरली जो हमारा LHP ट्रैक्टर है 240-260 उसके पार्ट्स हैं जो लगे हुए, जिसमें ये गियर्स हैं, टाइमिंग केस कवर हैं, ये जो कास्टिंग के बड़े पार्ट्स हैं, ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक है, साथ ये जो है यहाँ पे इंजन हेड पड़ा हुआ है और ये सम्प है, ठीक है, ये फ्लाई व्हील है, इस तरह ये मुख्तलिफ पार्ट है। जो ग्रे में पार्ट्स हैं ये हमारे लोकलाइज पार्ट हैं और ये ब्लू में जो पार्ट है कलर जिन पे हुआ है ये हमारे इंपोर्ट के पार्ट्स हैं, अभी जिसमें FI पंप है, क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारे इंपोर्टेड पार्ट्स जो 10% है, ये 10% इसमें 240 में तो ये 6% से भी कम है और बाकी LHP के यहाँ पे नहीं लगे, HHP के नहीं लगे हुए यहाँ पे, 85-75 के बड़े ट्रैक्टर के नहीं लगे, क्रैंक बड़े ट्रैक्टर की है। उसके बाद ये हमारे है पावर ट्रेन ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, वो है, उसके पार्ट्स लगे हुए हैं ये सारे, जिसमें ये इसके ट्रांसमिशन गियर्स हैं, ये उसके पिनियन शाफ्ट्स वगैरह हैं, रेल शिफ्टर आ गए, और इसके अलावा ये हमारी सेंटर बीम है जो लगी हुई है, ये ट्रांसमिशन केस है हमारा, सॉरी सेंटर हाउसिंग है, साथ उसके ट्रांसमिशन केस पड़ा हुआ है, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये फ्रंट सपोर्ट है 240 की और बाकी फिर टायर्स हैं हमारे पास, ये हमारे जो हैं LHP के टायर्स हैं, फ्रंट टायर और रेयर टायर, रिम है, ये हमारे कॉस्मेटिक्स पार्ट है जो जिस तरह जो फेंडर हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल है, डैशबोर्ड जिसको कहते हैं, टॉप हुड है, साइड चैनल है, टूल बॉक्स है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा ये जो श्राउड है और ये शीट मेटल के पार्ट्स हैं वो हैं, फ्यूल टैंक है, सीट है हमारी, बैटरी है, बैटरी हमारी जो है ड्राई बैटरी भी है और जो दूसरी है जो वेट बैटरी जो यानी कि जो लगती है ट्रैक्टर पर वो है लेड बैटरी। सर थोड़ा साथ है, ये जो है ये स्टार्टर मोटर जो हमारी 240 की है उसका ये एक्सप्लोडेड व्यू है जो, उसके अलावा फिर ये हमारे रोल ओवर प्रोडक्शन एक चीज है जो हमारे आम अभी फिलहाल एक्सपोर्ट के ट्रैक्टर्स में लग रही है और लोकल भी हम दे रहे हैं लेकिन ऑन ऑर्डर बेस में, हाँ कस्टमाइज है। उसके अलावा ये हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जिसमें हमारी लाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, साथ इसकी जो क्या कहते हैं हार्नेसेस वगैरह हैं वो हैं, और ये भी हमारा एक एक्सपोर्ट का पार्ट है, ये भी हम जो है लोकल मार्केट में ऑन कस्टमाइज बेस पे दे रहे हैं। स्विंगिंग ड्रॉ बार है, उसके अलावा ये हमारी जो है आपकी जो जैक जिसको बोलते हैं, स्टीयरिंग पंप और स्टीयरिंग सेंटर है जो हमारे जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर हैं उन पे ये लगते हैं। ये पर्टिकुलरली जो है HHP के लिए हैं, जो बड़े ट्रैक्टर के लिए 360 का थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन होता है, ये HHP का पड़ा। ये हमारे टायर्स हैं, फिर ये हमारे फोर व्हील ड्राइव का फ्रंट टायर है और ये हमारा 360 जो ट्रैक्टर है फोर व्हील ड्राइव उसका टायर फ्रंट टायर। उसके अलावा फिर ये कास्टिंग के पार्ट्स हैं कुछ, इसमें ये हमारे है लिफ्ट कवर है, हाइड्रोलिक पंप है इसमें ये हमारा, उसके अलावा ये जो है एक्सल हाउसिंग है 85 की, इसको स्टैडल एक्सल हाउसिंग कहते हैं, और ये जो है ट्रम्पट एक्सल है, ये 240 में लगती है सर। ये जो है ये सारे जो एक्सल हाइड्रोलिक के पार्ट्स हैं एक्सल के रिलेटेड, ठीक है, जिस तरह ये जो है ये जिसको ये स्पिंडल है जी। उसके अलावा ये हमारा स्टेयरिंग कॉलम है 240 ट्रैक्टर का और ये हमारी जो एक्सल शाफ्ट है, इसके अलावा ये हमारे जो कैरियर प्लेट है, फिर ये स्टब एक्सल है हमारा जो 85 का है, और इस तरह ये कवर है, कवर रेयर एक्सल 85 ट्रैक्टर। उसके बाद ये हमारा जो है बैलेंसर यूनिट है, ये भी HHP ट्रैक्टर्स के अंदर सब में लगता है, कॉमन पार्ट है सब HHP ट्रैक्टर्स में लगता है, 375 फोर व्हील ड्राइव सब में लगता है सर। ऑयल सम्प है हमारा जो 385 ट्रैक्टर्स का, लाइट जलाना इस वक्त फिल्म्स एंड डेकल्स हैं जो हमारे लगते हैं, मुख्तलिफ स्टिकर जो वार्निंग साइंस हैं, इसमें इंग्लिश वर्जन, उर्दू वर्जन डिपेंड ऑन यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर जा रहा है, और पश्तो भी हमने बनाया है, पश्तो भी हमारा इंग्लिश में, अरबी भी है, जहाँ पे हमारे जहाँ पे ऑर्डर जाते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में ऑब्वियसली उर्दू में यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे बेरिंग्स का सेट है, ये कुछ बेरिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे सारे इंपोर्टेड बेरिंग्स हैं जो ब्लू कलर में, और ये जो है ये सिलेंडर ब्लॉक है 85 का, सिलेंडर ब्लॉक एंड हेड, ये हमारा बाहर से आता है मतलब इंपोर्टेड पार्ट है, ये हमारा लोकल नहीं है। इस तरह ये हमारा टायर है, ये भी फोर व्हील ड्राइव का टायर है, रेयर टायर है, ये ओवरव्यू है हमारे डिपार्टमेंट का, ये कंप्लीट हो गया डिपार्टमेंट जी। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दो सेक्शन है, एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है और एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स जो है वो डिपेंड काम करता है नए मॉडल्स जो आ रहे हैं और जो हमारे जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है उसको, और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो जो पार्ट हमने फाइनलाइज कर लिए होते हैं
वो हम वेंडर से डेवलप करवाते हैं। थैंक यू।